छात्रों ने चक्का जाम किया है। भरदा कला गांव में स्कूली छात्र छात्राओं ने चक्का जाम किया। ग्रामीण और कांग्रेस के विधायक कुंवर सिंह निषाद भी चक्का जाम में शामिल हुए। गांव में स्कूल भवन के लिए स्वीकृत राशि जारी करने की मांग है। कांग्रेस के शासन में जारी हुए थे 48 लाख रुपए, सरकार बदलने के बाद रद्द की गई स्वीकृति। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक बताएं, चक्का जाम अभी भी चल रहा है, खत्म हो गया है, क्या स्थिति है, कहा क्या जा रहा है? देखिए, चक्का जाम तो अभी चल रहा है और विधायक जी इसमें शामिल हो गए हैं, तो सारा जो है मामला कुछ बड़ा रूप लेता जा रहा है। और मामला पूरा जो है वो स्कूल निर्माण के लिए जो राशि स्वीकृत थी उसके वापिस हो जाने के कारण ये आक्रोश जो बच्चों के बीच जो निकल कर आ रहा है। चक्का फिलहाल जाम है और मांग की जा रही थी जो राशि वापस हो गई 48 लाख रुपए की नए स्कूल भवन के लिए, उसे तत्काल फिर से जारी किया जाए ताकि गांव के स्कूली बच्चों को एक बेहतर भवन मिल सके। धन्यवाद आपका अभिषेक। धार में बस ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने बस में चढ़कर नाश्ता बेचने वालों को रोका था कि वो नाश्ता बस में ना बेचे, इसको लेकर उन लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। मामला धामनोद थाना क्षेत्र का है। ड्राइवर ने धामनोद थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में शिवसेना ने अनूपपुर में विरोध प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पुतला फूंका। शिवसेना के प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना। शिव सैनिकों ने गांधी चौक पर ममता बनर्जी के खिलाफ नारा लगाते हुए पुतला दहन किया। कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर्स रेप के बाद हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवा बहाल कर दी है। इस मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए ओपीडी सेवा शुरू की गई है। कलकत्ता घटनाक्रम का विरोध लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिला। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर ना कहें, ये कहें कि पैरेलल ओपीडी वो यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परिसर के बाहर जो है वो सभी डॉक्टर्स यहाँ पहुँचे, काली पट्टी बांध कर वो यहाँ पर ओपीडी चला रहे हैं। कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, ओपीडी नहीं, पैरेलल ओपीडी की क्यों ज़रूरत पड़ी? हम ये नहीं चाहते कि मरीज़ सफ़र करे, तो इसीलिए हम पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं ताकि हमारी मांगों को भी हम रख सकें और मरीज़ों को भी नुकसान ना हो। पैरेलल ओपीडी में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम पेशेंट स्क्रीन कर पाएँ, एटलीस्ट जो पेशेंट भीड़ इकट्ठा हो रही है उसमें हम जो नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं उनको हम यहाँ देख पाएँ, ताकि ज़्यादा पेशेंट इकट्ठा होकर अंदर परेशानी ना हो। मतलब अगर हमारी स्टाफ कम हो उसकी वजह से भी अंदर परेशानी ना हो, हम जो रेगुलर बेसिस पे पेशेंट आ रहे हैं उनको यहाँ देख के जो नॉर्मल मेडिकेशन हो सकती है या आगे जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम बता के उनको आगे भेज पाएँ। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ पर पैरेलल ओपीडी लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर वो जो विरोध जो है वो कलकत्ता घटनाक्रम का यहाँ किया जा रहा है। कुछ और डॉक्टर्स भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने दो दिन पहले कहा कि आप लोग हड़ताल पर नहीं जाइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आज हियरिंग का भी दिन रखा, उसके बावजूद भी आप लोग ओपीडी में नहीं? ओपीडी चालू है और इमरजेंसी भी चालू, इसमें किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल। किस तरह का विरोध आप? हमारा एक शांतात्मक है, बिल्कुल शांति प्रदर्शन है बस।
हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। बाकी इसमें किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी पूरी चालू है, कोई भी मरीज आ रहा है हम उसको मना नहीं कर रहे हैं देखने से, बिल्कुल कोई भी मरीज आ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर, वो यहाँ पर ओपीडी चला रहे हैं, पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं। सीधे तौर पर ये विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार कलकत्ता में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर सीधे तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, और सीधे तौर पर वो जो पीड़ित डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर थे, उसके न्याय की मांग के लिए लगातार राजधानी भोपाल के हमीदिया के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। कमरन मोहसिन के साथ सैलेंस न्यूज टीम भोपाल। वहीं एमपी में डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट है। मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत की। कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है और सभी मेडिकल कॉलेज हों या जिला अस्पताल हों, सब में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र सिंहजी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि जूनियर डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो वो भयमुक्त वातावरण में काम कर पाएं? देखिए, निश्चित रूप से सलन जी, हमारा प्रयास है कि हमारे नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें। उसके लिए डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको भयमुक्त होकर और सेवा के भाव से वो अपना काम कर सकें, उसके लिए सुरक्षा देना उनको हमारा कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य है। उस नाते सरकार निरंतर प्रयास करती है। पहले भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, हम उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की दिशा में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में करने का प्रयास कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे इत्यादि लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे मरीजों को भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और हमारे डॉक्टर्स के साथ साथ समस्त स्टाफ की भी सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। सर, हाईकोर्ट ने कहा कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर वापस लौटाएं, लेकिन हमीदिया के कुछ डॉक्टर्स हैं जो अभी भी हड़ताल पर, ये कहें कि पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, उनको आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि मरीज कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं? देखिए, इस लोकतंत्र में व्यवस्थाएँ बिल्कुल परिभाषित हैं। यदि कोई कोर्ट का निर्णय आता है, न्यायालय का निर्णय आता है, वो सबको मान्य होता है, मानना ही चाहिए। दूसरी ओर सबको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का भी अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, लेकिन सबके लिए मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उनका पालन सब करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर्स की मांग है, उसके बारे में सरकार निश्चित रूप से पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ विचार कर रही है। अगली खबर बुरहानपुर से है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई है। सड़क के किनारे पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप का ड्राइवर घायल हुआ है, तो मौके से ट्रैक्टर का ड्राइवर भाग निकला। इच्छापुर स्टेट हाईवे पर रेशम उद्योग के पास की घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था। पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया है, तो ट्रैक्टर का ड्राइवर भाग निकला। इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे और कुत्तों के बाद कबूतर ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एयरपोर्ट पर मौजूद कबूतर की तस्वीर एक यात्री ने अपने मोबाइल में कैप्चर की और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। सौम्या गुप्ता नाम की यात्री ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, कबूतर यात्री। उधर मामला बढ़ता देख एयरपोर्ट प्रबंधन ने माफी मांगी है। इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे और कुत्ते भी घूमते नजर आ चुके हैं। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।